नमस्कार दोस्तों, आज 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के लहसुन के क्या बाजार हैं। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास कहां कहां के माल आए। दोस्तों ये हिमाचल के किसान हैं जो इनके माल ये बिक चुके हैं बोली में। हिमाचल वाले भी बिक चुके, पंजाब वाले भी बिक चुके माल, पर माल अभी उठने बाकी हैं। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला। और दोस्तों खुराना जी की तबीयत अब थोड़ा ठीक है पहले से, जल्द से जल्द हमारे बीच में वो आएंगे। चलिए जानते हैं शर्मा जी से, प्रविंदर शर्मा जी से, आज इन्होंने बोलियों में जो माल बेचे, क्या क्या रेट में माल बेचे, क्या पोजीशन रही, कितनी गाड़ियां हैं। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी। भाई साहब जी कितनी गाड़ी हो रही जी मार्केट में? भैया आज 13 गाड़ी थी, 13 गाड़ी हिमाचल। हाँ जी। और भाई साहब बाकी एमपी था, एक गाड़ी पंजाब था। अच्छा जी, अच्छा। तो आज की क्या पोजीशन, हिमाचल वाले माल बिक लिए है रह रही है अभी? हिमाचल बिक भी लिए, चल भी रहा, काम चल रहा है अभी। अच्छा जी। एक गाड़ी पंजाब की जो बिकी है, पंजाब बोली में बेचा जी, सारा क्लियर हो गया, सब हो गया, क्लियर तुल बिका। अच्छा जी, अच्छा। तो पंजाब के आज के क्या बाजार चले जी? पंजाब बिका 70 से लेके 120 हल्के माल थे। जो पंजाब की गोली बताओ पहले, गोली गोली बिकी 80-85 रुपए, गोली 80-85 रुपए। और जो थोड़ा गोली तो मोटा होता है, हाँ जी, वो बिका 100-110। और जो और मोटा होता है वो बिका 120-130। जो स्पेशल माल है वो बिका 40-45। अच्छा जी, अच्छा जी। और जो बात करें ऐसे में ही हिमाचल के माल, ये किस रेंज के हैं जी? ऐसे समझ लो आज की कंडीशन में ये 140 से 150। 140 से 150। हिमाचल के माल जो हिमाचल के खिल्ले आ रहे, खिर्रे, वो जवे खिर्रा बिका भाई साहब 90 से लेके 110 रुपए। और जवा हिमाचल का? जवा वो जवा 90 रुपए, और मोटे खिर्रे 100-110 रुपए। अच्छा जी। हाड़ के खिर्रे 80-85 रुपए। अच्छा जी। और हिमाचल की गोली जी? गोली भाई साहब इलेक्ट्रिक गोली, हाँ जी, ये बिक रही है 90-100 हिमाचल वाली जी, हाँ जी 90-100। और जो हिमाचल के बढ़िया है माल है ये बिका है 135, ये बिक लिए जी? हाँ जी, तुल भाई साहब ये छह बोली में तुल वो बिक गए जी। अच्छा जी, ये बिका है 145, ये बिका हिमाचल का 145। अच्छा जी, ये 150 रुपए। और ऐसे में जी है ये 145 वाला ही है। अच्छा, 145 वाला ही है जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। तो आज 150 तक गए जी? हाँ जी, हाँ जी। तो टॉप वैरायटी भी है इसमें कोई और? ये टॉप ही भाई साहब ये। अच्छा जी, ये थोड़ी बिक्री नहीं है ना, थोड़ा 10-5 में डाउन है बाजार। अच्छा जी, थोड़ी बिक्री के चक्कर में, क्योंकि क्या हो गया कि पीछे 5-7 रुपए डाउन था बाजार, उसे लोग भाव नाफा बना दिया, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये तो अप डाउन चलता रहता है। अच्छा जी, इतने भाव में 10-5 रुपए कोई वैल्यू नहीं भाई साहब। अच्छा जी, तो इसलिए किसी बात को घबराने की कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, ना वापस होने की दिक्कत है। अच्छा जी, आराम से बिको, यानी हवा बना रहे खुराना जी जो है 2-4 दिन के लिए क्या चले गए थे अभी से? भाई ऐसा है ना, जो बड़े व्यापारी है ना, जो मतलब है जो थोड़ी हवा बना रहे हैं, इसलिए यार छोटा व्यापारी घबरा देगा, घबरा के माल निकालेगा मार्केटों में, तो वहाँ थोड़ा इसलिए थोड़ा घबराहट मंडी नहीं, कोई घबराने कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, इतने भाव में 150-160 रुपये के भाव में 10-5 रुपए 20 रुपए कोई वैल्यू नहीं भाई साहब। अच्छा जी, यानी जो मान लो 150 रुपए चल रहा, चलता चलता 140 भी आ सकता है, वो 160 भी जा सकता है, ये हो सकता है। पिछले मंडी में क्या है, पिछले मंडी में 2-250 लहसुन बिक गया। अच्छा जी, 2-250 लहसुन बिकने में 20 रुपए उन्होंने डोन में कर दिया, इसमें क्या दिक्कत होगी? अच्छा जी भाई, पिछले जो जो माइक पास कर, माइक पास जो बड़ी मंडी है, हाँ जी, वहाँ 200-180-300 लहसुन बिके हैं, 160 ही बिके हैं। अब बड़ी मंडियों में अगर 10-5 रुपए डाउन हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है उससे, बताओ? कोई फर्क नहीं है, तो रोज एक आदमी घुमाने वाली बात है। अच्छा जी, तो इसलिए घबरा कर कोई माल मत बेचो, होपलेस हो गए तो मंदा होगा। अच्छा जी, इसलिए आराम से बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, बाजार स्टैंड ही है जी। हाँ जी। और जो अपना ये एमपी राजस्थान वाले हैं जी माल, इनके क्या पोजीशन चल रही है? एमपी राजस्थान जो गोली है ना, एमपी गोली है छोटी गोली, वो बिक रही है 80-85 रुपए, और जो मोटी गोली है वो 100-105 रुपए बिक रही है। हाँ जी। और जो लड्डू है वो बिक रहा है 115 से 120 रुपए। अच्छा जी। और मोटे माल बिक रहे हैं 30-40 रुपए। अच्छा जी, थोड़ी बिक्री कम है, भाव कम नहीं यहाँ दिल्ली में। अच्छा जी, दिल्ली में वो भाव बोल रहे हैं, ग्राहक कम है थोड़ा। अच्छा जी, दो दिन से मौसम खराब था, थोड़ा इसलिए कम है, थोड़ा माल थोड़ा ज्यादा आ रहा है, थोड़ा इसलिए कम है। अच्छा जी, घबराने कोई दिक्कत नहीं है। तो बाजार कोई नहीं टूटता जी अभी? नहीं, बाजार को टूटता कोई बाजार डोन नहीं है, ये तो मतलब हवा बना रखी है। अच्छा जी, पीछे डोन हो गया, यहाँ दिल्ली में भी कोई डोन नहीं हुआ है। अच्छा जी, पीछे डोन होने के 10-5 डोन हुआ है, दिल्ली में घबराहट इसलिए हो रही है कि पीछे डोन हो गया। अच्छा, यहाँ भाव बड़े कहाँ थे भाई साहब, जब दिल्ली में लहसुन बिक रहा 140 और वहाँ बिक रहा 260 रुपए। हाँ जी, जब कितना डिफरेंस था। अच्छा जी, किसने बोला है कि भाई दिल्ली में भाव है, वहाँ ये भाव है? अच्छा जी, तो दिल्ली में तो वही भाव चले, पुराने भाव दिल्ली में चले, आज भी चले, पहले भी वो भाव चले थे। अच्छा जी, अच्छा, दिल्ली में कोई फर्क नहीं है इस बात का। ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्ट मंडी, जो मंडी है थोक की मंडी है, उनमें भाव ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भाव बढ़े हैं ना, भाव घटे हैं।
अच्छा जी, बिक्री सामान्य ही चल रही जी, लेने वाले उसी तरह उसी चाल में है जी। हाँ जी उसी चाल में, जो बोली लगाओगे फिर दोबारा वही मेला इकट्ठा हो जाएगा, वही हो जाएगा। अच्छा, बड़ी मंडियों में यार 10-20 रुपए घटेंगे बढ़ेंगे तो भाई साहब माल आएगा भी जाएगा भी। अच्छा, माल आके बिकेगा भी और मान लो किसान निकाल लेंगे भी, व्यापारी भी निकाल लेगा। हाँ जी हाँ जी, और बड़ी मंडी वाले 10-20 रुपए ऊपर नीचे नहीं करेंगे तो माल जाम रहेगा उनका, भाई ना झूलेगा। अच्छा जी, तो इसलिए कोई कंडीशन मतलब बंदे की नहीं है, अब टेंशन मत लो। अच्छा जी, हिलाना पड़ता है थोड़ा बहुत तो किसी भी चीज को, माल बेचने के लिए 10-5 रुपए तो अप डाउन करोगे। हाँ जी हाँ जी, तो अगला भी लेगा ठीक है जी, पिछला भी देखेगा। हाँ जी, अगर तुम जा रहे हो बढ़ाओ बढ़ाओ जाओगे, हाँ जी, सारा माल स्टॉक हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा माल को। ठीक है जी, बात जब अप डाउन होगा बाजार, जब आर्मी स्टॉक वाले माल निकाल लेगा, किसान भी निकाल लेगा, ग्राहक भी लेगा। हाँ जी, तो ये कंडीशन है, इसलिए कोई घबराने कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है जी, ये तो चलना जरूरी है जी, उतार चढ़ाव, क्योंकि जाम हो जाएगा माल लेने वाले ही लगातार बढ़ता चलेगा, चले यही चलता है जी। ये कंडीशन है, पैसे की सब जरूरत है, बीच में किसी को पैसे की जरूरत आगे वो बेचेगा, पैसे का मंदा है बस ये मान लो आप। अच्छा, कंडीशन पैसे की है, पैसे का मंदा है और कोई मंदा नहीं है। अच्छा जी, भाई एक कट्टे कीमत इस टाइम जो है नॉर्मल लगा लो 4000 कट्टा बैठ रहा है, 4000 कम भाव का। अच्छा जी, जो अच्छे भाव का वो 8000 कट्टा 9000 कट्टा जा लिया है। अच्छा जी, तो आदमी कितना माल कट्टा, अगर कोई 10 कट्टे लेगा 1 लाख के बैठ के। हाँ जी, 1 लाख की पूंजी कहाँ से लाएगा वो। सही बात है जी, इसलिए थोड़ी घबराहटी है। और जिसने एक बड़ी गाड़ी भर दी वो तो रकमों को बैठेगी, बड़ी गाड़ी तो 10 टन की भी है, 20 टन की भी है, 20 लाख की बैठेगी, 15 लाख की बैठेगी, 10 लाख की बैठेगी, जैसे जो वाड़ा है सामान भरेगा वो। अच्छा जी, जो 10 टन वाला 10 भरेगा, जो 20 वाला 20 भरेगा, जो 25 वाला 25 भरेगा। डिमांड पूरी है जी, डिमांड पूरी, कोई दिक्कत घबराने कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, इसलिए सारा करके बेचो जी, होपलेस मत हो। अगर तुम होपलेस होगे, किसान भाई या व्यापारी भाई होपलेस होगा तो मंदा आना ही आना है फिर। अच्छा जी, अच्छा, इसलिए घबरा के मतलब को जैसे जय चल रहे हैं चले जाओ। चलिए जी, धन्यवाद सर जी। मंडी में क्या होगा, वहाँ 10-5 मिनट अप डाउन चलेगा, उस पर गौर मत करो। अच्छा, तुम उस पर गौर करोगे तो यहाँ और मंदा हो जाएगा। हिमाचल वाले तो खुश होकर जा रहे हैं पूरे, हिमाचल वाले भैया मंदा बेच रहे हैं आज भी। अच्छा जी, क्योंकि तमिलनाडु में 70-80 की पोजीशन है। अच्छा जी, और यहाँ बिक रहा है 150 रुपये किलो। अच्छा जी, तो वे कह रहे हम तो यहाँ दिल्ली में बेचेंगे, हम तमिलनाडु बेच लेंगे अपना माल, इसलिए घबराने कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, साउथ तेज है जी, उधर साउथ तेज है। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके सर। दोस्तों, ये शर्मा जी की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी, ऊपरले वाले जो है जितेंद्र खुराना जी के नंबर है, निचले वाले शर्मा जी के नंबर है। हो सके तो जितेंद्र खुराना जी पे आप कॉल मत करना, हो सके तो व्हाट्सएप करना, जो आपका जवाब आ जाएगा ठीक है, नहीं वीडियो में आपको सारी जानकारी दी तो वैसे मिली गई जी, जो मेन मेन बातें हैं।